Oh, 1 minute. Yeah. ये क्या पुल पर तुम ये खूबसूरत फूल लेकर आई हो? तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए आई हूँ। क्या थैंक्स? वो क्यों? तुम्हारी वजह से ही तो आकाश मुझसे मिला है। ये मेरी वजह से कहाँ हुआ? वो तो तुम्हारे प्यार के चक्कर में तुम्हारे पीछे यूरोप तक आया था। क्रेजी गाय, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसने तुम्हें स्टोरी सुनाई थी। स्टोरी सुनाई? हाँ, वैसे प्यार करने के लिए स्टोरी सुनाया तो गलत है, लेकिन प्यार से बचने के लिए प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि उसने जो कुछ भी कहा वो सब सब कुछ एक झूठ था। और ऐसे लड़के को तुमने हाँ कह दिया? ऐसा है, इसीलिए तो मैंने उसे हाँ कहा है। समझाती हूँ। उसके बारे में पता किया, फेमस होने के लिए नेता को पत्थर मारा, प्रमोशन मिलते ही मिनिस्टर को बीच सड़क पर छोड़ दिया, और तुमसे शादी रुकवाने के लिए मेरा नाम ले लिया। ही समथिंग। उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड की दीवानी हो गई। श्रद्धा, अक्सर हम लड़कियों के दिमाग में एक उम्र हो जाने तक कुछ क्वेश्चंस हमेशा चलते ही रहते हैं कि सुंदर लड़के से शादी करें या पढ़े लिखे लड़के से या पैसे वाले लड़के से। लेकिन आकाश से मिलने के बाद सारे सवाल के जवाब यस, मुझे भी सारे जवाब मिल गए। मम्मी, हाँ? करण के घर वालों ने फिर से फोन किया था क्या? रोजाना दिन में 2 बार फोन कर रहे हैं। ओके कर दे क्या? कंफर्म उन्हें नो कह दो। मैंने आकाश से ही शादी करने का फैसला कर लिया है। लेकिन उसने तो ना कह दिया ना बेटी। पर मैंने अब तक हार नहीं मानी है। आप ही बताइए, क्या उसे मीरा के लिए छोड़ दूं? डैड को कब का सीएम बन जाना चाहिए था, लेकिन उसकी डैड ने मेरे डैड को रोक रखा है, और अब वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रही है। वो मेरा है, आकाश को मैं हासिल करके ही रहूंगी। बहुत हो गया, तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है मुझे। यही कि तुम्हारी उसके साथ लव स्टोरी है। तुम्हारे लिए कैसे कैसे रिश्ते आ रहे हैं तुम्हें पता भी नहीं है। पता है डैड, मुझसे जिसे भी शादी करनी थी वो मेरी रेंज से बाहर था। ऊपर देखिए डैड, आपको ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? रूफ। मुझसे जो शादी करना चाहते थे वो रूफ की तरह ही थे। वहाँ लाइट, फैन और फॉल सीलिंग के अलावा और कुछ नहीं होता। उनकी जगह आकाश हुआ तो वो बिल्कुल अपने नाम जैसा है। उसके साथ बादल मिलेंगे, बिजली कड़केगी, मौसम बदलते रहेंगे। लाइफ विल बी थ्रिलिंग यू नो। वो प्लेटफॉर्म पर रहता है, तो आप ही उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दीजिए, जस्ट फॉर अ चेंज। उसकी औकात नहीं है कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ सके। क्या अलग है उसमें? इंसानों में काफी चीजें कॉमन होती है, चाहे वो रंग में हो, दिखने में हो या पर्सनालिटी में हो, पर एक चीज कॉमन नहीं होती, और डैड वो है दिमाग। और आकाश के पास जो दिमाग है वो मुझे पसंद है। क्या सर, आपने थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हें तो जान से मार देना चाहिए। कोई अगर पत्थर से मारे तो उसे जेल में डालना चाहिए, न कि उसे नौकरी पर रखना चाहिए। मैंने तो सिर्फ नौकरी पर रखा था सर, लेकिन इन्होंने तो घर में ही घुसा लिया। क्या भाई, जब विनाश काल चल रहा हो तो कोई भला क्या कर सकता है। वो तो एक हीरो एंट्री मारता है और लड़के तिलमिलाने। मुझे तो सड़क पर छोड़ गया था, इसे तो बीच में ही लटका दिया है। आफ्टर ऑल एक कॉमन मैन से ज्यादा कुछ नहीं है वो। लेकिन उसके लिए एक चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और विकास मंत्री बैठकर पंचायत कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो रातों रात उसकी कहानी खत्म नहीं कर सकते क्या? कैसे खत्म करूं मैं? वो अब कॉमन मैन नहीं है, सेलिब्रिटी है। शहर का बच्चा बच्चा उसे पहचानता है। उसके ऊपर मक्खी भी भनकी तो SMS कॉन्टेस्ट रख देंगे चैनल वाले। CM ने मारा या होम मिनिस्टर ने मारा? उसे हटाएंगे पर दिमाग से। सुरेश कुमार। सर। शास्त्री को फोन लगाओ। हाय, हाय अर्जुन, विद लॉट्स ऑफ गुण। इसी एक्सप्रेशन को बदलने के लिए यहाँ पर आया हूँ मैं। आई वॉन्ट यंग, यू नो व्हाट? यंग फॉर मी। चला। तुम्हारी उम्र कितनी है? यहाँ आने वाले लोग सवाल कम पूछते हैं, फिर भी जवाब मिल जाता है, समझा? 1 मिनट। हेलो, कहाँ पर हो शास्त्री? मैं तो फिलहाल मोक्ष का मार्ग ढूंढ रहा हूँ सर। अर्जेंटली गेस्ट हाउस पर आ जाओ। नहीं सर, मैं नहीं आ सकता, मैं अपनी पुरानी हिस्ट्री को नया कर रहा हूँ। तुम क्या पागल हो गए हो जो तुम मुझे मना कर रहे हो? इसको क्या बताऊँ, कैसे समझाऊँ कि मैं कहाँ हूँ? नहीं सर, मैं जहाँ हूँ ना वहाँ पे मैं।
5 मिनट में तुम यहाँ आ जाना, वरना टास्क फोर्स वहाँ आ जाएगी तुम्हें लेने। ये नहीं हो सकता सर। बताओगे क्या नहीं हो सकता? फैक्ट है सर, वहाँ शुक्र का चक्र भी घूम रहा है। हम चाहे जिस दिशा में क्यों ना चले जाए, हमें शनि की दिशा में वो उठाकर फेंक देगा। उससे पंगा मत लेना, वरना एसिड से नहाने जैसा हो जाएगा सर। तुम तो कहते थे कि ऐसी कुंडली मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती। हम ऐसा ही सोचते हैं सर, मुंबई में भाईजान से बड़ा सुपरस्टार कोई नहीं, यही सोचते थे ना। लेकिन क्या उसे रणबीर ने ओवरटेक नहीं किया? यदि ऐसा ही है सर, इसकी कुंडली भगवान ने नहीं लिखी है, उसने खुद लिखी है, और उसे ओवरटेक करना मुश्किल है। उसकी पावर को रोकने के लिए आपकी मैन पावर कम पड़ जाएगी। हम इतने बड़े पोजीशन पे रहकर भी उसका कुछ